सो फ्रेंड्स, अभी तक हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास एस की ज्योग्राफी बुक द अर्थ आवर हैबिटेट, जिसका नाम है, उसमें से चैप्टर नंबर 4th और हम स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है मैप्स। दोस्तों, आप तो जानते होंगे मैप्स के बारे में। मैप होता है एक रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ की सरफेस का जो रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग बनाते हैं अपन, ठीक है, उस या फिर उस पार्ट को जिस फ्लैट सरफेस पे अपन ने स्केल द्वारा कुछ ड्राइंग करी हो, ड्रोन करा हो, उसे हम मैप बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी पूरी ग्लोब का मतलब अर्थ का जो मैप है पोर्शन, वो किसी फ्लैट सरफेस पे बना हुआ है विद सम स्केल्स। ठीक है, सम स्केल, उसे हम मैप बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइज का हो सकता है, ठीक है, मेजरमेंट्स का हो सकता है, डिफरेंट स्केल्स का हो सकता है। ओके, मैप्स जो होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लोब के बारे में, हमारी ग्लोब में, हमारी अर्थ में क्या क्या है, ठीक है, कितने कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस के बारे में बताते हैं। इसके वेरियस टाइप्स हैं, मैप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि फिजिकल मैप्स। जो फिजिकल मैप होते हैं वो हमें नेचर के बारे में बताते हैं अर्थ में, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, पठार होते हैं, प्लेन्स होते हैं, फ्लैट प्लेन्स होते हैं, ठीक है, रिवर्स होती है, ओशियंस होते हैं, महासागर होते हैं, उन सब के बारे में हमें बताता है फिजिकल और रिलीफ मैप बताते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप हमें बताता है सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स के बारे में, और ऑल्सो विद देयर बाउंड्रीज के साथ हमें पॉलिटिकल मैप्स बताता है। ठीक है, थीमेटिक मैप क्या बताता है, ये हमें रोड्स के ऊपर, रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, ठीक है, मैप्स जो शो करते हैं हमें फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या कहलाते हैं, थीमेटिक मैप कहलाते हैं। ठीक है, और जो हमारे मैप्स का मैप्स है, उसके कंपोनेंट्स तीन प्रकार से हैं। कैसे डिवाइड होते हैं, ये डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल के द्वारा हमें ये मालूम पड़ता है कि मैप्स कौन से स्केल के आधार पर लिया गया है। ठीक है, जैसे हम कंपोनेंट्स की बात करें तो तीन प्रकार के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। जो हमारी डिस्टेंस है मैप में वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि अपन ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, तो वो एंटायर वर्ल्ड का बनाते हैं अगर हम, तो किसी शीट या पेपर पे बनाते हैं तो उसमें हम स्केल की ज़रूरत पड़ती है। स्केल मतलब वो नहीं होता जो हमारा रूलर होता है, ठीक है, स्केल एक अलग तरीके का है। जैसे कि हम बात करें, अगर वो रेशो होता है, स्केल क्या होता है, रेशो होता है बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जो मैप पे डिस्टेंस शो हो रही है उसका रेशियो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड पे हमें मिलता है, उसे हम स्केल बोलते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारी डिस्टेंस जो स्कूल से है, जो हमारी डिस्टेंस स्कूल से हमारे घर तक 10 किलोमीटर की है, तो हम उसे शो कैसे करेंगे, हम उसे 2 सेंटीमीटर का शो कर सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो उस 2 सेंटीमीटर, तो वो 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है, तो हमें वहाँ से मिलता है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर मिलता है। ठीक है, तो मतलब हमारी जो रूरल है उस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम मैप बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बड़े बड़े बनाते हैं, तो जैसे एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स का लेते हैं अगर हम, तो पेपर पे हम उसे शो कैसे करेंगे, जैसे कि 5 सेंटीमीटर को हम मैप पे 500 किलोमीटर का शो कर सकते हैं, ये स्मॉल स्केल मैप कहलाते हैं। लार्ज स्केल मैप कौन से होते हैं, जो 5 सेंटीमीटर होते हैं उसको हम 500 मीटर शो करते हैं ग्राउंड पे, तो इसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं हम। ठीक है, आगे बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन को हम हमेशा नॉर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं और अपर राइट हैंड कॉर्नर पे हम नॉर्थ लिखते हैं। ये शो एरो शो करता है हमें नॉर्थ डायरेक्शन का, नॉर्थ लाइन का कहते हैं हमें। ठीक है, व्हेन यू नो द नॉर्थ, जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता होता है तो हमें ईस्ट, वेस्ट, साउथ का अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि 4 डायरेक्शंस होती है, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। ठीक है, नॉर्थ के जस्ट राइट में हमारा ईस्ट होता है और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। ठीक है, तो ओनली एन लिखने से अपर राइट हैंड कॉर्नर में हमें पूरी डायरेक्शंस का पता चल जाता है। जैसे ये डायग्राम देख सकते हैं आप, यहाँ पर नॉर्थ, ये ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन लिखी हुई है, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन, तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है।
ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे ट्री है, कम्युनिटी सेंटर है, पीओ शॉप्स, ठीक है। और यहाँ पे स्केल हमने क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ये हमारा स्केल है। आगे अगर हम देखें तो कार्डियल पॉइंट्स क्या कहते हैं, कार्डियल पॉइंट्स हमारे जो कार्डियल डायरेक्शंस होती है हमारी, उनके पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होते हैं, तो ये हमें हमारे कार्डियल पॉइंट्स कहलाते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कहते हैं। साउथ और ईस्ट है तो साउथ, इनका मिडिल पॉइंट्स साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट है तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट इसका मिडिल पॉइंट, एंड नॉर्थ और ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये हमको याद रखना है। बाकी कंपास तो आपको पता ही होगा, कंपास में नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन का हमें पता लगता है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही बताता है कंपास, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उनकी पॉइंट रहती है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कंपास बोलते हैं। आगे आता है सिंबल, सिंबल्स का यूज बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये हमें पॉसिबल शेप एंड साइज के बारे में बताता है, डिफरेंट फीचर्स के बारे में, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स, वेल एक्सेट्रा, के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि नई मैप पे क्या क्या है, क्योंकि हम लिख तो सकते नहीं है, बस हम डायग्राम बना सकते हैं, तो डायग्राम हमें ये देता है। तो हमें कन्वेंशनल सिंबल्स मालूम किया जाते हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट में पास हुए हैं, ये सिंबल्स, उन सिंबल्स को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। जैसे कि हम फिगर 4.3 में आपको दिखा सकते हैं, रेलवे लाइन है, रोड गोज, रेलवे लाइन्स के थ्रू रोड गोज होता है ये वाला, मीटर गोज होता है ये वाला, एंड रेलवे स्टेशन होता है ये वाला रेलवे स्टेशन। रोड्स में हम देखते हैं मेटल्ड और अनमेटल्ड होता है, ये मेटल्ड होता है और ये अनमेटल्ड होता है। बाउंड्री में हम देखते हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट की बाउंड्री से शो करता है, और ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री से शो करता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ये बाउंड्री शो होती है, ठीक है। और ये स्टेट की बाउंड्री से, जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो बाउंड्री है वो इससे रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। और इंटरनेशनल होती है जो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वाली लाइन ड्रॉ होगी मैप में, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम तो रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज आप यहाँ से देख सकते हैं, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, छतरी, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्री एंड ग्रास, यहाँ पे ये कन्वेंशनल सिंबल्स हैं के वेरियस कलर से भी आपको शो करते हैं। ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेट्यू, एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स, ठीक है। ये हमारे 4.4 है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, सुंदरपुर है हमारा गांव, तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, हमारा मॉस्क्यू है, ठीक है, चर्च है यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या है, माउंटेन्स हो सकते हैं हमारे, ग्रीन प्लांट्स, लेक्स, वाटर्स, रिवर, टेम्पल, स्कूल, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, ठीक है, ये स्कूल है, मतलब ये सब मिल जाता है। आगे हम बढ़ते हैं स्केच, स्केच क्या होता है, स्केच होता है हमारी एक ड्राइंग होती है, क्योंकि मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम बनाते हैं स्केच, वो स्केल से नहीं बनता, ओनली वो स्केच होता है जो हम अपनी मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं, ठीक है, बिना स्केल के दौरान, बिना, ठीक है, रफ ड्राइंग होती है वो हमारे इसी एरिया के बारे में, ठीक है, और उसे हम स्केच मैप कहते हैं, विदाउट स्केल जो बनाते हैं अपन उसे स्केच मैप कहते हैं। प्लान क्या होता है, प्लान होता है एक ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया पे, लार्ज स्केल की, लार्ज स्केल की ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया पे विद स्केल, ठीक है, अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्केल के साथ बनाते हैं उसे हम प्लान बोलते हैं, क्योंकि जो इंजीनियर्स बनाते हैं उन्हें इंजीनियर्स बनाते हैं एक प्लेन पेपर पे, वो एक बड़ी बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं, ठीक है, बट सबसे पहले उसे छोटी प्लान पे शो करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन, उसे हम प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको फर्स्ट चैप्टर मैप्स के बारे में, ये उसकी एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइजेस करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं आ रहे हो कमेंट करिए, हम कोशिश जरूर करेंगे, ये फॉर्म 1 के लिए है, बच्चों के लिए, ठीक है, गुड बाय।